हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अभी क्या है, थोड़ा सा मौसम बढ़िया हुआ है और थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी कुछ 2-3 दिनों से। कुछ प्रॉब्लम था बुखार वगैरह का, और इधर जो अपना उत्तर भारत है इधर थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है। ये पटना है और मौसम बारिश वाला हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हुई थी, ज़्यादा देर तक तो नहीं हुई लेकिन हुई थी बारिश। और मैं 4 दिन पहले बारिश हुआ था तो उसमें मैं नहाया था, उसकी वजह से तो नहीं हुआ लेकिन शायद उसकी वजह से भी हो सकता था। मुझे बुखार हुआ था और थोड़ा पेट में गड़बड़ था। एक कमेंट पड़ा था कि लाइव 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 लाइव, बहुत सारा लाइव लाइव किया था, तो लाइव तो नहीं, मैं ये ऑफलाइन अपलोड कर रहा हूँ और थोड़ा पढ़ना भी है तो शाम तक। अभी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बताना चाहिए। थोड़ा सा यूट्यूब पे मैं भी थोड़ा 5-10 मिनट अभी बिताए हैं। 5-10 मिनट में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, उसमें से सबसे ज़्यादा चीज़ ये देखी शायद वो पहले की अपलोडेड हैं अभी, क्योंकि सब लोग शांत हैं, खुशी है सबके मन में। ये कि 28,000 से सीधा 60,000 हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। अब किसी को जम्मू कश्मीर वाले को अगर कन्याकुमारी भेजा जा रहा है तो वो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान नहीं हो सकता। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर जब रेलवे ने पोस्टें नहीं निकाली थी, अगर तब आपको कहा जाता, मैं बोलता या और कोई बोलता कि भाई तुम कन्याकुमारी जाओ एक दिन के लिए और मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, पेपर देने जाना है और मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ, तो तुम जाते कि नहीं जाते ये बताइए पहले। और इस पर कोई आर्ग्यूमेंट करते क्या कि यार नहीं, कन्याकुमारी नहीं जाना मुझे, मुझे आप आगरा भेज दो यार, मैं आगरा में जाके दे आऊँगा, तो नहीं ना, क्योंकि सामने वाले पर्सन की फिर सुनना पड़ेगा। अब सामने हमारे पास एक मंत्रालय है, एक सरकार है, एक डिपार्टमेंट है, हमें उसकी बात सुननी पड़ेगी। उसके पास भी कुछ ऐसी मजबूरी है, तो इतने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं, ऊपर से वो एक व्यवस्थित ढंग से एग्ज़ाम भी कराने की सोच लिया। अब तक हमने ये सोचा था कि इस वर्ष एग्ज़ाम होंगे ही नहीं, लेकिन जब वो इस वर्ष एग्ज़ाम कराने की ठान रहा है और उसने बोला भी कि एग्ज़ाम हम आपका 9 तारीख से लेंगे, सेंटर भी बता दिए, तो अब समस्या। और देखिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी दे दी, पहले तो क्या था, आपकी तैयारी उतनी ही है, आपने ये तो नहीं है कि तैयारी आपने 1 हफ्ते के अंदर 1 महीने के अंदर डबल कर दी हो, मल्टीप्लाई तो हुई नहीं, तैयारी जितनी है उतनी ही है। आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो उसी चीज़ को पढ़ रहे हो, बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके 2 माइंड हो गए हों, डबल माइंड, 2 GB की मेमोरी थी अब 4 GB की मेमोरी हो गई, ऐसा तो नहीं है। लेकिन सामने की तरफ से ऐसा हुआ है, 28,000 था 60,000 हो गया है, बहुत खुशी की बात है, अच्छा लग रहा है ये सब, ऐसा पहली बार हुआ है हमारे भारतवर्ष पे, तो ये बहुत खुशी की बात है। और अभी ये सब जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना कि भाई सेंटर दूर है, इस पर ध्यान मत दो। आप अनुमानित तिथि आपको पता चल गई है, आप अपना टिकट वगैरह बुक करने की कोशिश करो। देखो कुछ खर्चा आता है, मैं भी मानता हूँ बहुत गरीब लोग हैं हमारे भारत में जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, लेकिन ये एक संघर्ष है, इस संघर्ष से लड़ना है। अब संघर्ष से लड़ना चाहिए, संघर्ष अगर हुआ है तो दूसरे पे हमें टिकना नहीं चाहिए, दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए, दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। संघर्ष मिला है उसको अपनाओ और नौकरी लेके निकल जाओ। हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी है, किसी सरकार से, किसी डिपार्टमेंट से कोई दुश्मनी नहीं है कि हाय हाय करने लग जाओ रोड पे निकल कर। देखो जिस चीज़ के लिए हाय हाय करना था उस चीज़ के लिए हम लोगों ने किया, हम लोगों को ITI हटवाना था, हम लोगों ने उसके लिए तोड़ फोड़ किया, पटरियों को जाम किया, वो एक हद तक ठीक था क्योंकि उसमें उनकी गलती थी। अब क्या है, अब उनकी गलतियाँ हमें नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। उस टाइम हमारे पास समय था जब हम ITI के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब समय नहीं है। अगर आपको कोई, मैं ये जागरूकता के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कोई अगर कोई ऐसा कोई, क्योंकि अभी यहाँ पटना में राजेंद्र नगर में टर्मिनल है, एक स्टेशन है राजेंद्र नगर, वहाँ जाम किया गया था कुछ दिन पहले, तो वो कौन लोग होते हैं? अब आपका एग्ज़ाम है 9 अगस्त को और आप वहाँ जाके ये सब करोगे तो पढ़ेगा कौन? आप ये चीज़ समझो कि उसके अंदर कुछ ये राजनीतिक वाले तत्व होते हैं जो एक दूसरी विपरीत पार्टी वगैरह के होते हैं, वो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि उनको कुछ हेल्प मिल जाए राजनीतिक, कि भाई हम आपके साथ खड़े हुए, भाई हमें ज़रूरत ही नहीं है ऐसा कुछ करने की, हमारा एग्ज़ाम है, हम तैयारी करेंगे। और एक चीज़ और कि मैं इसको
प्रोफेशनली नहीं बता सकता कि एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जब एग्ज़ाम हो रहा है और आपको ट्रेन में कोई टीटी पकड़ लेता है, आपके पास टिकट नहीं है, तो सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, आप उससे समझ लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे यूट्यूब में ऐसा कुछ मैं बोल नहीं सकता, और रेलवे भी ये एक ऑफिशियली नोटिस नहीं निकाल सकती कि आप बिना टिकट के सफ़र करो, नहीं तो इसका बहुत सारे लोग गलत उपयोग उठाएंगे। लेकिन उनके पास भी दिमाग है, उनको भी पता है बच्चे बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो कोई भी टीटी, कोई भी पुलिस किसी बच्चे का एग्ज़ाम नहीं मतलब करेगा कि आप एग्ज़ाम ना दे पाओ। आपको आप समझ लीजिए कि आपको मैं बोलना क्या चाहता हूँ, आपका सेंटर कहीं भी होगा, टिकट नहीं मिल रहा है आपको। एक कमेंट ये भी था कि भाई अगर हम बिना टिकट के जाएं, तो ये अच्छा सवाल था। बिना टिकट के जाना एक असंवैधानिक है, जुर्म है, आपको ये नहीं करना है। आपको जर्नल टिकट लेना है, जर्नल, और अगर रिजर्वेशन मिलता है तो प्लीज़ रिजर्वेशन कराइएगा। इसमें आपका भी फ़ायदा है, रेलवे का भी फ़ायदा है, आपको भी तकलीफ़ नहीं होगी, रेलवे को भी नहीं होगी। लेकिन अगर रिजर्वेशन नहीं है तो आप जर्नल का टिकट लीजिए। उसके बाद एक ऑप्शन बचता है कि अगर सीट नहीं है, खाली नहीं है, तो आप रिजर्वेशन में जाइए ना, चालान कटवा लेना यार। और अगर पैसे नहीं है तो टीटी को बोल देना, भैया पैसे नहीं है हमारे पास, कहानी ख़त्म। ठीक है, अब बाकी की चीज़ें समझिए, मैं वो बोल नहीं सकता कि आप टिकट वगैरह लें या ना लें, क्योंकि वो गलत काम है। आप अपने विवेक से काम ले सकते हैं और टीटी भी अपने विवेक से काम लेंगे, कोई भी इस एग्ज़ाम में आपको परेशान नहीं करेगा। सेंटर कहीं भी हो, एग्ज़ाम देने जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, ये वाला बटन दबा देना, नहीं दबाओगे तो भी कोई बात नहीं है, डिसलाइक करते हैं जो, उनको अगली बार उनके हिसाब का वीडियो मैं बना के डाल दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय।